हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 3 ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट नंबर 4, द चैप्टर नंबर 4 ऑफ दिस सब्जेक्ट। द चैप्टर नेम इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET। तो इट इज अ कंटिन्यूशन पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर, द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। द नेम इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आज हम लोग को जो अपना चैप्टर जो स्टार्ट करना है वो यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 4 हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का दिया हुआ है, FET का दिया हुआ है। हम लोग ने लास्ट जो चैप्टर कंप्लीट किए थे वो BJT का कंप्लीट किए थे, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का कंप्लीट किए थे। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम लोग ने ये चीज़ को ऑब्जर्व किए थे कि उसको बायपोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो कंडक्शन होता है करंट का वो दोनों चीज की वजह से होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी होता है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं बाइपोलर। और दूसरी बात, वहां पे हम लोग ने ये ऑब्जर्व किए थे कि इनपुट का जो करंट है वो कंट्रोल करता है आउटपुट के करंट को। जैसे कि आपने अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन देखा होगा तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इनपुट बेस करंट आपको आउटपुट कलेक्टर करंट मिलता है। जो भी आपने गेन सेट करके रखा होगा, गेन के हिसाब से जो भी अमाउंट में आप इनपुट बेस करंट दोगे तो उसका एम्पलीफाई होके आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, कलेक्टर करंट मिलेगा। तो इन शॉर्ट वहां पे जो कंट्रोलिंग एलिमेंट था वो इनपुट करंट था। अब यहाँ पे सब उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि FET में आपको इनपुट का वोल्टेज नजर आएगा आउटपुट के करंट को कंट्रोल करते हुए। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज आपको आउटपुट करंट में चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। और दूसरी बात, FET जो है वो यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर डिवाइस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो करंट का कंडक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही होगा, नॉट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जैसे कि BJT आपने देखे थे, BJT में जो लीकेज करंट फ्लो होता है वो लीकेज करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, वो बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। तो वो लीकेज करंट वाली बात अब आपको यहाँ FET में नजर नहीं आएगी। तो दैट्स वाई FET को कहते हैं यूनिपोलर डिवाइस। मतलब इस FET में जो करंट का कंडक्शन होगा इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, आइदर वो इलेक्ट्रॉन्स हो या वो होल हो, उसके वजह से ही, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही करंट का कंडक्शन होगा, नॉट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जैसा कि हमने BJT में देखे थे लीकेज करंट फ्लो होता है। तो इज दैट क्लियर? सब लोग को समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में वही लिखा हुआ नजर आ रहा है कि FET क्या है। तो FET जो है वो इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, विच मीन्स इनपुट वोल्टेज कंट्रोल्स द आउटपुट करंट। तो इनपुट वोल्टेज जो है वो कंट्रोल करता है आउटपुट करंट को, और ये यूनिपोलर डिवाइस है बिकॉज जो करंट का कंडक्शन होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, चाहे वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप का इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर का होल हो, तो सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही करंट कंडक्शन होगा इस डिवाइस में, इस कंपोनेंट में। तो आई होप बेसिक बैकग्राउंड आपको FET का क्लियर हुआ होगा। तो व्हाट इज द बेसिक बैकग्राउंड? दो चीज आपको समझना है। सबसे पहली चीज, FET जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यानी इनपुट का वोल्टेज कंट्रोल करता है आउटपुट के करंट को। दूसरी बात, FET जो है वो यूनिपोलर डिवाइस है, मीन्स वॉट, यहाँ पे जो करंट का कंडक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही होगा, चाहे वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर का होल हो, तो सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट का कंडक्शन होता है। तो इसके लिए FET को यूनिपोलर डिवाइस कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग ये बढ़ेंगे, ये देखेंगे कि FET के कितने टाइप्स होते हैं। जैसा कि आपने BJT में दो टाइप्स को ऑब्जर्व किया था, उसके कंस्ट्रक्शन को देखा था, उसके वर्किंग को देखा था, और आगे चल के हमने उसके बारे में स्टडी भी किए थे। तो BJT में जो दो टाइप्स थे वो NPN टाइप्स था, PNP टाइप्स था। तो इसी तरीके से आपको FET के भी अलग अलग टाइप्स नजर आएंगे। तो FET जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर,
वो मेनली ब्रॉडली क्लासिफाई हुआ है दो कैटेगरी में। एक है आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको कहते हैं जेफेट, और दूसरा जो आपको नजर आएगा, जो दूसरा क्लासिफिकेशन आएगा वो आएगा मॉस्फेट। तो मॉस्फेट स्टैंड फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी यहाँ पे आपको मेटल और ऑक्सीडाइज करी हुई लेयर भी नजर आएगी इसके कंस्ट्रक्शन में। तो इसके लिए कहा जाता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहली बात, FET के दो मेन क्लासिफिकेशन है, एक है JFET और दूसरा है MOSFET। JFET के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, जैसे आपने ट्रांजिस्टर में देखे थे NPN टाइप PNP टाइप, तो वैसे ही आपको JFET में दो क्लासिफिकेशन नज़र आएंगे। एक होगा N चैनल JFET, एक होगा P चैनल JFET। N चैनल JFET जहाँ पे मेनली आपका N टाइप का सेमीकंडक्टर यूज़ होगा, और P चैनल में मतलब जहाँ पे आपका मेन जो सेमीकंडक्टर यूज़ होगा वो P टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ होगा। तो जैसे आपने BJT में NPN PNP टाइप देखे थे, वैसे JFET के जो दो क्लासिफिकेशन है, N चैनल JFET, P चैनल JFET। चैनल क्या होता है वो देखेंगे हम लोग, अंडरस्टैंड करेंगे, कंस्ट्रक्शन में मालूम पड़ेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, मॉस्फेट के फिर फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। मॉस्फेट के फर्दर दो क्लासिफिकेशन जो है वो डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट है, एक एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट है, और फिर इन दोनों के फर्दर टाइप से पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप। तो इन होल आपको जो पूरा क्लासिफिकेशन नज़र आ रहा है FET का, तो सबसे पहला दो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो JFET और MOSFET में हुआ है। JFET के सीधा दो क्लासिफिकेशन है, N चैनल JFET, P चैनल JFET, लेकिन MOSFET में फर्दर दो टाइप्स है, एक डिप्लेशन टाइप MOSFET है, एक एनहेंसमेंट टाइप MOSFET है। क्या होता है वो सब आगे डिटेल में आपको मालूम पड़ेगा, उसमें क्यों इसको डिप्लेशन बोलते हैं, क्यों उसको एनहांसमेंट बोलते हैं। तो डिप्लेशन टाइप MOSFET है, एनहेंसमेंट टाइप MOSFET है, फिर डिप्लेशन के फर्दर दो टाइप्स पी टाइप एन टाइप, और फिर एनहेंसमेंट के फर्दर दो टाइप्स पी टाइप एन टाइप। तो इन होल ये पूरा क्लासिफिकेशन आपके FET का किया हुआ है, इन होल FET क्लासिफिकेशन। अब हमको आगे आगे स्टडी करना है, धीरे धीरे स्टडी करना है। सबसे पहले स्टडी जो करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं, वो शुरुआत करेंगे JFET से, जंक्शन फील इफेक्ट ट्रांजिस्टर से। तो जंक्शन फील इफेक्ट ट्रांजिस्टर में अंडरस्टैंड करेंगे कि एन चैनल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, पी चैनल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, फिर उसकी वर्किंग वर्किंग ऑफ एन चैनल JFET, फिर इसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, क्या क्या रीजन्स होते हैं उसके अंदर। तो इन अ होल ये सारी स्टडी अब हम लोग ये सब स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जंक्शन फील इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो अब हम लोग को स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ एन चैनल JFET। जैसे आपने NPN टाइप ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखा, तो उसी तरीके से जैसे कि अभी आपको क्लासिफिकेशन मालूम पड़ गया कि JFET के जो दो क्लासिफिकेशन है, एक एन चैनल JFET है, एक पी चैनल JFET है, तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ दिस एन चैनल JFET, एंड सिमिलरली फिर हम लोग जाके आगे जाके वो भी अंडरस्टैंड करेंगे कि पी चैनल का कंस्ट्रक्शन फिर कैसा होता है और पी चैनल की वर्किंग कैसे होती है। जैसा कि आपको सामने ये दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन में, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, सो इन माई प्रेजेंटेशन आई एम शेयरिंग यू द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन चैनल JFET। तो अब सबसे पहले अब हम लोग को यहाँ पे ये एन चैनल JFET का कंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंड करना है। नो क्या है, अभी देखो सबसे पहले इसका नाम क्या दिया हुआ है, एन चैनल। व्हाई द नेम इज गिवन एन चैनल, इसका मतलब ये कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का सबस्ट्रेट यूज हो रहा है यहाँ पे, जिसको चैनल बोला गया है। नाउ जिसको बेस बोला गया, जो बेस है आपका, जो बेस है, जो मेन एलिमेंट है आपका इस पर्टिकुलर डिवाइस में, इस पर्टिकुलर टाइप में, तो वो मेन जो चीज़ है वो आपकी क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है आपके पास। नाउ इस एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर आपने दो साइड में आपको माइनर पोर्शन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर प्लेस करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उस एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर आपने दो साइड में दो पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किया हुआ है। डिफ्यूज किया हुआ है मतलब उसको आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये एन टाइप जो सेमीकंडक्टर, ये आपका सब्सट्रेट है,
इस सबस्ट्रेट के ऊपर इन द अलोंग साइड ऑन द टू बोथ साइड यू हैव प्लेस अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, स्मॉल पीस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दो स्मॉल पी टाइप के सेमीकंडक्टर आपको दोनों साइड में प्लेस करते हुए नजर आएंगे, जिसको बोलते हैं आपने डिफ्यूज किया हुआ है। तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, जो आपका सबस्ट्रेट है, जो आपका बेस है, उस बेस के आजू बाजू में आपने दो पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्लेस किया हुआ है। तो अब देखेंगे, आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, तो ये जो आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्लेस कर दिया इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो ये क्या फॉर्म हो गया? अब आपको क्या फॉर्म आता हुआ नजर आ रहा है? तो इट इज ऑब्जर्विंग अ पी एन जंक्शन। ये आपका क्या फॉर्म हो गया? पी एन जंक्शन हो गया। तो ये तरफ से आपको एक पी एन जंक्शन नजर आ रहा है, और इस तरफ से भी आपको ये पी एन जंक्शन नजर आ रहा है। मीन्स इन दिस ऑल्सो देर आर टू जंक्शंस ऑफ पी एन। एक पी एन जंक्शन यहाँ पे भी है, और एक पी एन जंक्शन आपको वहां पे भी ऑब्जर्व हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब बात समझ में आई? तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल जेफेट में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल जेफेट में एक बड़ा सा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, जिसको बेस बोलते हैं, और उसके आजू बाजू दो साइड में आप स्मॉल पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्लेस करते हो, रखते हो, ज्वाइंट करते हो, डिफ्यूज करते हो। तो इस तरीके से आपका क्या होता है? दो पी एन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। नाउ अब आपको टर्मिनल्स के बारे में भी अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे टर्मिनल्स को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या होता है। अब जो आपने दो पी टाइप सेमीकंडक्टर को जहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो वहां से दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके एक टर्मिनल फॉर्म की गई है। उस टर्मिनल का नाम है गेट टर्मिनल। जिस तरीके से आपका बीजीटी में इनपुट जो आपका टर्मिनल होता था वो बेस होता था, उसी तरीके से आपको जेफेट में जो इनपुट टर्मिनल नजर आएगा, जो दो आपके साइड वाले सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ते हुए, एक साथ जोड़ते हुए, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर से यहाँ पे और ये पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर से यहाँ पे निकाल के दोनों को एक साथ ज्वाइन करके टुगेदर इट इज फॉर्म वन टर्मिनल। तो टुगेदर इट इज फॉर्म ओनली वन टर्मिनल, दैट इज टर्मिनल इज नोन बाय द नेम गेट टर्मिनल। तो जो इनपुट टर्मिनल है यहाँ पे जेफेट में, जिस तरीके से आपने बीजेटी में बेस को देखे थे, उस तरीके से यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है? गेट टर्मिनल है। तो गेट टर्मिनल कैसे है आपका? गेट टर्मिनल इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ जॉइनिंग ऑफ दिस टू साइड ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मिंग वन टर्मिनल, एंड दैट टर्मिनल इज नोन एज व्हाट? गेट टर्मिनल। अब इसी तरीके से दो टर्मिनल और है इस पर्टिकुलर एफईटी में, जो आपको अपवर्ड पोर्शन में एन टाइप सेमीकंडक्टर के टॉपवर्ड साइड में जो एक टर्मिनल प्लेस किया हुआ निकालता हुआ नजर आएगा, उस टर्मिनल को कहते हैं, उस टर्मिनल का नाम कहते हैं ड्रेन टर्मिनल। एंड इट इज सिमिलर टू द कलेक्टर टर्मिनल, जो आपका आउटपुट टर्मिनल बीजेटी में कलेक्टर टर्मिनल होता था, उसी तरीके से जेफेट में जो आपका आउटपुट टर्मिनल है, जहां से आपका आउटपुट करंट फ्लो होता है, वो आपका कौन सा टर्मिनल है? ड्रेन टर्मिनल। तो दिस ड्रेन टर्मिनल कहाँ से निकाला गया है? तो ड्रेन टर्मिनल आपके जो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो चैनल है उसके टॉपवर्ड साइड से जो एक टर्मिनल निकाला गया, उस टर्मिनल का नाम है ड्रेन। और उसी पर्टिकुलर एन टाइप सेमीकंडक्टर से जो डाउनवर्ड साइड की तरफ से जो टर्मिनल निकाला गया है, उस टर्मिनल का नाम है सोर्स। तो ये जो टर्मिनल आपको तीसरा जो टर्मिनल नजर आएगा, उस थर्ड टर्मिनल का नाम है सोर्स। तो इस तरीके से जो तीन टर्मिनल्स आपके जेफेट के हैं वो है गेट, ड्रेन एंड सोर्स। ये सोर्स जो टर्मिनल है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर परफॉर्मिंग लाइक योर इमीटर। जिस तरीके से आपका इमीटर कॉमन होता था, इमीटर टर्मिनल कॉमन होता था बीजेटी में इनपुट बेस और आउटपुट कलेक्टर में, तो उसी तरीके से आप इसको भी एजम्पशन मान सकते हो कि ये जो सोर्स टर्मिनल है ये कॉमन है इनपुट गेट और आउटपुट ड्रेन के बीच में। बात समझ में आई आप लोग को? तो हियर द थ्री टर्मिनल्स ऑफ जेफेट आर इनपुट गेट, आउटपुट ड्रेन एंड कॉमन टर्मिनल यू कैन से इट इज सोर्स। बट द थिंग इज दैट ये जो टर्मिनल जो आपकी निकली हुई है, जो फॉर्म हुई है, तो ड्रेन टर्मिनल इज फॉर्म फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम द अपवर्ड साइड ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड दिस सोर्स टर्मिनल इज टेकन आउट फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड ऑफ दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड अलोंग द बोथ साइड ऑफ नियर टू द साइड द बोथ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म एंड फॉर्मिंग वन टर्मिनल, एंड दैट टर्मिनल इज नोन एज व्हाट? गेट टर्मिनल। तो इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात आप लोग को? तो इस कंस्ट्रक्शन में आपको क्या समझ में आया? ये मैंने चीज जो अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया, वो क्या एक्सप्लेनेशन दिया? कंस्ट्रक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ जेफेट में क्या है, एन चैनल जेफेट में क्या है? एक बड़ा सा एन टाइप सेमीकंडक्टर है,
उसके आजू बाजू दो साइड में आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है, और उस दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टर से आपने एक टर्मिनल फॉर्म किया हुआ है, जोड़ के एक साथ ज्वाइंट टुगेदर करके एक टर्मिनल को फॉर्म किया है, दैट इज नोन एज गेट टर्मिनल। और अपर साइड के एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो टर्मिनल उसको कहते हैं ड्रेन टर्मिनल, और डाउनवर्ड साइड में जो टर्मिनल को निकालते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर से उसको कहते हैं सोर्स टर्मिनल। ओके, तो इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। नाउ द थिंग इज दैट, अब आपकी बात आती है इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन के बारे में बात आती है। अब मैं थोड़ा सा वर्किंग स्टेप में आगे बढ़ूंगा, अब मुझे थोड़ा आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है, वर्किंग वगैरह समझाना है कि किस तरीके से वर्किंग होता है इस एन चैनल जीएफएट में। तो आप ध्यान से देखो, तो ये जो आपका टर्मिनल है गेट टर्मिनल और यहाँ का जो टर्मिनल है सोर्स टर्मिनल, टुगेदर इसको फॉर्म करेंगे तो ये आपका कौन सा सेक्शन बनेगा, कौन सा जंक्शन बनेगा। तो दिस जंक्शन इज नोन एज व्हाट, गेट टू सोर्स जंक्शन। जैसा आपका इनपुट जंक्शन वहाँ पे होता था बेस टू इमीटर, तो वैसे ही यहाँ पे गेट टू सोर्स जो आपका जो सेक्शन है दैट इज नोन एज व्हाट, इनपुट जंक्शन, दैट इज गेट टू सोर्स जंक्शन। तो ये गेट टर्मिनल से सोर्स टर्मिनल के बीच में आप टुगेदर एक बैटरी कनेक्शन करोगे। नाउ द थिंग इज दैट, आपको बैटरी को अभी यहाँ पे क्या चीज़ अंडरस्टैंड हो रहा है, क्या चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस सोर्स इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इससे मतलब ये क्लियर हो रहा है कि हमेशा एफ ई टी का जो इनपुट जंक्शन है वो क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। क्या होता है वो, रिवर्स बायस होता है। जैसे हम लोग ने बीजेटी में पढ़े थे कि इनपुट जंक्शन हमेशा वहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस, और आउटपुट जंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस। तो वो था आपका करंट कंट्रोलिंग एलिमेंट, करंट कंट्रोल डिवाइस था, उसको इनपुट का आउटपुट को एम्पलीफाई करना था। यहाँ पे एफ ई टी में उल्टा है, रिवर्स है, यहाँ पे रिवर्स है, बिकॉज इट इज़ फील्ड कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और हमेशा एफ ई टी का जो इनपुट जंक्शन है वो क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। इनपुट जंक्शन हमेशा क्या होता है, वो रिवर्स बायस होता है। तो रिवर्स बायस होने के हिसाब से ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इस पर्टिकुलर पी टाइप सेमीकंडक्टर को जो गेट टर्मिनल से निकला हुआ है वहाँ पे आपने कनेक्ट किया हो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू सोर्स टर्मिनल, इन दिस वे दिस गेट टू सोर्स जंक्शन इज फॉर्मिंग अ रिवर्स बायस, इज फॉर्मिंग अ रिवर्स बायस। अब ये क्या वजह से रिवर्स बायस किया हुआ है वो चीज़ अभी हम लोग जानेंगे, वो चीज़ अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी मुझे समझाना है, आउटपुट की तरफ भी समझाना है कि जो आउटपुट में जो आपको जंक्शन नज़र आ रहा है वो जंक्शन कौन सा है, ड्रेन टू सोर्स जंक्शन है। नाउ इन ड्रेन टू सोर्स जंक्शन, अब आप इसको हमेशा ऐसा मत अंडरस्टैंड करो कि ये फॉरवर्ड बायस है, इसको हमेशा ये याद रखो कि ड्रेन का जो टर्मिनल है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए एज कम्पेयर टू सोर्स टर्मिनल। यानी इन शॉर्ट आपसे कह सकते हो कि फॉरवर्ड बायस इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ड्रेन टू सोर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो ड्रेन टर्मिनल है वो हमेशा हायर लेवल पे होना चाहिए, हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए एज कम्पेयर टू सोर्स टर्मिनल। सो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू डू दैट, ड्रेन टर्मिनल एट हायर पोटेंशियल, सोर्स टर्मिनल एट लोअर पोटेंशियल, तो ड्रेन टर्मिनल के तरफ आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किए हुए, और सोर्स की तरफ आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किए हुए। तो इन दिस वे आपका क्या होगा, ड्रेन विल बी एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल मीन्स हायर वोल्टेज लेवल एज कम्पेयर टू सोर्स। सोर्स तो अल्टीमेटली आपका ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड मतलब वो तो जीरो लेवल पे होगा। अब आप जो भी आप बैटरी सप्लाई कनेक्ट करोगे, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वैल्यू आपका ड्रेन उसके ऊपर हायर लेवल पे होगा, फिर जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इन द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ ड्रेन इट विल बी हायर एट पोटेंशियल, फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इन द एंड सोर्स टर्मिनल की तरफ आपका क्या रहेगा, जीरो पे रहेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ग्राउंडेड, वो ग्राउंड की तरफ कनेक्टेड होगा। तो इज दैट क्लियर, समझ में आई बात। तो ये जो आउटपुट जंक्शन है इसलिए आपको क्या नजर आ रहा है, ये फॉरवर्ड बायस करता हुआ नजर आ रहा है, फॉरवर्ड बायस हुआ है। फॉरवर्ड बायस किस तरीके से हुआ है दिख रहा है, मतलब फॉरवर्ड बायस मतलब आप सेमी कंडक्टर के हिसाब से नहीं नजर आएगा, आपको सेमी कंडक्टर के हिसाब से ये फॉरवर्ड बायस नहीं है, ये एन टाइप सेमी कंडक्टर है। लेकिन आपको ये चीज खाली ध्यान में रखना है कि ये जो ड्रेन है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहेगा एज कम्पेयर टू सोर्स। तो ड्रेन टर्मिनल को हमेशा हायर पोटेंशियल पे रखना है एज कम्पेयर टू सोर्स। तो इसके लिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अपवर्ड साइड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, सोर्स टर्मिनल को इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, इन ऑर्डर टू फ्लो द करंट, ताकि करंट प्रॉपरली यहाँ से फ्लो हो, ड्रेन से लेके सोर्स में फ्लो।
एफईटी में बीच में करंट फ्लो होता है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। जाहिर सी बात है, जब ये हायर पोटेंशियल पे रहेगा, ये लोअर पोटेंशियल पे रहेगा, तो करंट जो फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल ही फ्लो होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो मैंने अभी फिलहाल आपको क्या चीज़ समझाया हूँ, अभी मैंने आपको इस एन चैनल जेफेड का कंस्ट्रक्शन समझाया हूँ। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग? क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, तो मैं आगे चल के फिर उसके वर्किंग में जाऊंगा। एनीथिंग आपको जो नहीं क्लियर हुआ हो जरा पूछ सकते हैं मुझसे। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग और नॉट, प्लीज रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करो। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बात बाकी है तो पूछो। ओके ओके, तो समझ में आ रहा है ना, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस ठीक सर, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं आता हूँ वर्किंग की तरफ आता हूँ। तो अब आपको वर्किंग समझाना है मुझे कि इस पर्टिकुलर एन चैनल जेफेट में वर्किंग किस तरीके से, किस तरीके से इसमें करंट का फ्लो होता है, किस तरीके से बिहेवियर होता है। ठीक है, पहले पहले तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो। अभी सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो कि यहाँ पे पीएन जंक्शन कितने हैं। दो पीएन जंक्शन है, एक ये पीएन जंक्शन है, एक ये पीएन जंक्शन है। इस पीएन जंक्शन के बीच में कौन सा लेयर होता है, कोई मुझे बता सकता है? विच लेयर एग्जिस्ट? डिप्लीशन लेयर, वेरी गुड डिप्लीशन। वेरी गुड वेरी गुड, डिप्लीशन लेयर। तो इस पर्टिकुलर पीएन जंक्शन के बीच में कौन सा लेयर एग्जिस्ट होता है? डिप्लीशन लेयर एग्जिस्ट होता है। अब ध्यान से देखो, तो जब जब अपन ये गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, यानी रिवर्स सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, तो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्या होगी? जब जब हम लोग ये गेट टू सोर्स वोल्टेज का सप्लाई इंक्रीज करेंगे, यानी रिवर्स सप्लाई, इन शॉर्ट आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, ये रिवर्स बाइजिंग है ना, तो रिवर्स सप्लाई वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे, तो व्हाट विल हैपन टू बोथ द डिप्लीशन लेयर? तो ये जो आजू बाजू जो दोनों की डिप्लीशन लेयर है, उस डिप्लीशन लेयर की विड्थ पे क्या असर होगा? इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज और डिक्रीज, टेल मी फास्ट। जो फॉरवर्ड बायस है उसका डिक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा सर। अब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस तो है ही नहीं ना। आप ध्यान से देखो, ये दोनों भी पी टाइप सेमीकंडक्टर एक साथ ज्वाइंट किए हुए, फॉर्मिंग वन गेट टर्मिनल। बात समझ में आ रही है? तो जो रिवर्स सप्लाई वोल्टेज है वो दोनों को एक साथ ही मिलेगा ना, ये गेट टर्मिनल तो एक ही है, ये इंटरनली दोनों ज्वाइंट किए हुए। मतलब सर इंक्रीज ही होगा। यस वेरी गुड, इंक्रीज ही होगा। तो आजू बाजू जो दोनों भी आपके डिप्लेशन लेयर है, उस डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे रिवर्स सप्लाई वोल्टेज VGS, तो VGS सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या होगा, उसकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते रहेगी तो क्या होगा, जो इनिशियली आपका ड्रेन करंट प्रॉपरली फ्लो हो रहा था, अब ड्रेन करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है मालूम है ना आपको? दिस ड्रेन करंट ड्रेन टर्मिनल से फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो इनिशियली जब आपका VGS 0 वोल्ट रहेगा, जब VGS आपका कुछ वोल्टेज नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं अप्लाई करोगे, तो सबसे ज्यादा करंट फ्लो होने वाला है, ड्रेन करंट सबसे ज्यादा ड्रेन करंट फ्लो होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे आप इधर पे रिवर्स सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, दोनों तरफ से आजू बाजू दोनों तरफ से डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों भी डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएंगे, आपस में टच करेंगे, और जब टच कर लेंगे तो फर्दर ड्रेन करंट फ्लो होना रुक जाएगा। सो ड्रेन करंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, अब उसके आगे आपका ड्रेन करंट नहीं जा पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। जैसे जैसे आपकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे दोनों भी साइड की डिप्लेशन लेयर विड आपस में टच हो जाएगी, इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि दोनों भी टच हो जाएगी, और फिर वहां से फर्दर आपका ड्रेन करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये बिहेवियर है, ये आपके पर्टिकुलर जेफेड का इस तरीके से वर्किंग है। इनिशियली जब आप कुछ अप्लाई नहीं करोगे तो ड्रेन करंट आपका फ्लो होगा, क्योंकि आपको पता है ये आपका ड्रेन टर्मिनल कौन से लेवल पे, हायर पोटेंशियल पे है, और सोर्स टर्मिनल आपका लोअर पोटेंशियल पे है, तो ऑब्वियसली आपका ड्रेन करंट फ्लो जो होगा वो ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल में फ्लो होगा, बीच में फ्लो होगा। लेकिन जैसे जैसे आप अगर यहाँ से इनपुट का जो अगर अप्लाई करोगे, इनपुट का ये गेट सप्लाई वोल्टेज अगर इंक्रीज करोगे, तो उसकी वजह से आपका ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, यानी आउटपुट का जो ड्रेन करंट है वो किसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है, इनपुट के गेट टू सोर्स वोल्टेज की वजह से कंट्रोल हो रहा है। कि अगर इनपुट का गेट टू सोर्स वोल्टेज रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ा दोगे, तो
तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे आपका ड्रेन करंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपका जो आउटपुट का जो ड्रेन करंट है वो किसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है, इनपुट के गेट टू सोर्स वोल्टेज की वजह से। तो इनपुट के गेट टू सोर्स वोल्टेज की वजह से आपका आउटपुट ड्रेन करंट क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। दैट्स वाई दिस डिवाइस, दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज नोन एज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, फील्ड कंट्रोल डिवाइस। ओके, बात समझ में आई आप लोगों को क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे इसलिए उसको फील्ड कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। मैं और भी आपको डिटेल में आ रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन देने के लिए आ रहा हूँ, मैं और आगे बढ़ रहा हूँ अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। अब एक चीज़ और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाता हूँ। अब आप डिप्लेशन लेयर का जरा शेप देखना कैसा होगा, नीचे जब हम लोग देखेंगे डायग्राम तो यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व हाउ द शेप ऑफ दिस डिप्लेशन लेयर सराउंड, ये डिप्लेशन लेयर का जो कर्व है वो किस तरीके से कौन से शेप में होता है, तो वो आपको मैं नीचे के डायग्राम में दिखाऊंगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा। नाउ यू आर एबल टू सी द प्रॉपर वर्किंग एंड बिहेवियर ऑफ दिस एन चैनल जेफेड। अब आपको देखो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, ये जो डॉटेड मार्क किया हुआ है, ये डॉटेड जो मार्क किया हुआ आपको क्या नजर आ रहा है, ये डॉटेड जो मार्क किया हुआ ये आपको डिप्लेशन लेयर की विड्थ बना के दिखाया हुआ है। नाउ आपको एक क्वेश्चन ये उठना होगा कि सर ये डिप्लेशन लेयर के विड्थ का शेप इस तरीके से कैसे है, ऊपर की तरफ डिप्लेशन लेयर का विड्थ ज़्यादा है, नीचे की तरफ डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम है, व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न? तो व्हाट इज़ द रीज़न डिप्लेशन लेयर का विड्थ यहाँ पे क्यों ज़्यादा है, यहाँ पे क्यों कम है? तो देखो इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इनिशियली मान के चल लो कि आपने VGS को ज़ीरो रखा है, आप कोई गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट अप्लाइंग एनी गेट टू सोर्स वोल्टेज। जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हो तो ये एक आपका पीएन जंक्शन है, ये आपका पीएन जंक्शन है, ठीक है? तो ये दो पीएन जंक्शन के बीच में कौन सी लेयर होगी, डिप्लेशन लेयर होगी। लेकिन डिप्लेशन लेयर जो सराउंड करेगी वो इस पर्टिकुलर फैशन में सराउंड करेगी, ऊपर की तरफ डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी, नीचे की तरफ डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये मैं आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर किया कि जो ड्रेन टर्मिनल है वो हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल पे रहेगा एज कम्पेयर टू लोअर पोटेंशियल। ये बात तो सबको क्लियर है ना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ड्रेन हमेशा कहाँ पे होगा, ज़्यादा वोल्टेज लेवल पे होगा एज कम्पेयर टू सोर्स टर्मिनल। यानी अगर मैंने VDS 4 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, अगर मैंने VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज 4 वोल्ट दिया हुआ है तो 4 वोल्ट आपको टॉप मोस्ट यहाँ पे 4 वोल्ट नजर आएगा, लेकिन नीचे जैसे जैसे जाते जाओगे यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट होगा, यहाँ पे 2 वोल्ट होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट होगा, और लास्ट में आपका सोर्स यहाँ पे ग्राउंड है तो 0 वोल्ट होगा। तो इज दैट क्लियर? तो वोल्टेज के लेवल इस तरीके से सराउंड करेंगे। तो ड्रेन टू सोर्स अगर मैं 4 वोल्ट बोल रहा हूँ तो 4 वोल्ट में आपका टॉप मोस्ट पे 4 वोल्ट पे, नीचे 3 वोल्ट पे, फिर 2 वोल्ट पे, फिर 1 वोल्ट पे, फिर 0 वोल्ट पे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर ये गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 पे है, अगर मैंने इसको 0 पे रखा है, और अगर यहाँ पे ड्रेन की तरफ जो करीब की तरफ अगर ये 4 वोल्ट है, तो ज्यादा रिवर्स कहाँ पे हुआ, ज्यादा रिवर्स कहाँ पे हुआ, ये सबसे ज्यादा वोल्टेज पे हुआ कि नहीं हुआ, 4 वोल्ट पे, हाँ 4 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है 0 वोल्ट। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ ऑब्वियसली कहाँ पे ज्यादा रहेगी, ऊपर की तरफ ना, ड्रेन टर्मिनल की तरफ। अब जैसे नीचे आऊंगा तो 4 वोल्ट का क्या हुआ, 3 वोल्ट हुआ, तो 3 वोल्ट के हिसाब से डिप्लेशन लेयर की विड्थ उतनी कम हो जाएगी। फिर और नीचे आऊंगा तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 वोल्ट हुआ, ये तो ऑलरेडी 0 पे है, गेट तो ऑलरेडी 0 पे है, ये 0 पे हुआ, ये 2 पे हुआ, तो मतलब रिवर्स क्या हुआ, और कम हुआ ना। तो जैसे जैसे रिवर्स कम होते जाएगा वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ और कम हुई, फिर नीचे आऊंगा डिप्लेशन लेयर की विड्थ और कम हुई, अब 0 पे आ गया तो 0 0 सेम। तो यानी ज्यादा रिवर्स कहाँ पे हो रहा है, ज्यादा रिवर्स आपका अपवर्ड साइड पे हो रहा है। तो ज्यादा रिवर्स आपका अपवर्ड साइड में हो रहा है तो इसलिए ऑब्वियसली डिप्लेशन लेयर की विड्थ अपवर्ड साइड पे ज्यादा होगी। तो डैट्स व्हाई यहाँ पे जो आपको जेफेट के अंदर जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो इस तरीके से कर्व शेप में नजर आ रही है। इज दैट क्लियर, ये रीजन क्लियर है, समझ में आया आपको? यस सर। ओके, तो जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो इस तरीके से क्यों सराउंड करती है, बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ वोल्टेज लेवल इनसाइड दिस पर्टिकुलर एन चैनल। या एन चैनल में अलग अलग वोल्टेज लेवल के हिसाब से ये इस तरीके से डिप्लेशन लेयर एग्जिस्ट होती है। तो ये एक मुझे ये समझाना था, ये क्लियर करना था। दूसरी बात, जब आप VGS वोल्टेज 0 रखोगे तो VGS वोल्टेज 0 रखने की वजह से डिप्लेशन लेयर की विड्थ
उसमें सबसे कम रहेगी। सबसे कम कौन से केस में रहेगी? VGS वोल्टेज जीरो रखने पे, यानी रिवर्स सप्लाई वोल्टेज आपने जीरो रखे हो तो उस केस में सबसे कम डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी। तो दैट्स वाई जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ड्रेन करंट जो फ्लो होने वाला है वो कब फ्लो होगा? जब VGS की वैल्यू जीरो होगी। तो VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज जब जीरो रहेगा तो सबसे मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होगा, और मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो यहाँ पे आपका गेट ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल में फ्लो होगा। लेकिन आप जैसे जैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, ये रिवर्स सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे, तो वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी आजू बाजू दोनों की तरफ से, क्योंकि गेट टर्मिनल दोनों इंटरनल एक ही साथ कनेक्टेड है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों एक साथ जॉइंट होकर गेट टर्मिनल को फॉर्म करता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों भी डिप्लेशन लेयर आपस में क्या हो जाएंगे, टच कर लेंगे, और फिर फर्दर ड्रेन करंट होना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी जितना ड्रेन करंट रहेगा उतने पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा। देर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन ड्रेन करंट, तो देर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन ड्रेन करंट, नाउ द ड्रेन करंट जो वैल्यू था उतने पे ठहर जाएगा, उतने पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट है जहां पे आपका ड्रेन करंट कॉन्स्टेंट हो जाता है, जो VGS का वो वोल्टेज, वो VGS का वो वोल्टेज जो क्या करता है आपके ड्रेन करंट को कांस्टेंट कर देता है, दैट वोल्टेज इज नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज। आपको ये चीज नजर आएगी, ये सारी टर्म्स नजर आएगी, पिंच ऑफ। तो पिंच ऑफ किसको बोलते हैं? पिंच मतलब आपको समझ में आता है? व्हाट डू यू मीन बाय पिंच? पिंच किसको बोलते हैं मालूम है आपको? पिंच किसको बोलते हैं? पिंच बोलते हैं रुकते, मतलब जिस पॉइंट में रुकते। ये तो आप अपने इसके बारे में बता, मैं नॉर्मल पिंच ही पूछ रहा हूँ। नॉर्मल पिंच किसको बोलते पता है आपको? पिंच मतलब क्या? किसी को चुबाना, चिमटी लेना, बराबर ना? चिमटी लेना मतलब समझ में आता है ना आपको? ये मस्ती करते थे ना बचपन में हम लोग, मस्ती करते थे एक दूसरे के साथ में, तो किसी को चिमटी लेने का था तो जोर से चिल्लाता था वो, तो वो चिमटी लेने के लिए क्या करना पड़ता था? हमारी दोनों फिंगर्स को आपस में क्या करना पड़ता था? ज्वाइंट करना पड़ता है ना, टुगेदर वी हैव टू ज्वाइन बोथ द फिंगर्स फॉर पिंचिंग। तो उसी तरीके से यही सेम चीज यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है आपको, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पिंच ऑफ वोल्टेज। तो जैसे जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो तो ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी? टच हो जाएंगी। तो जहां पे टच हो जाएंगी, जहां पे आपका टच हो गया वहां पे फर्दर ड्रेन करंट का फ्लो होना रुक गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो वो पॉइंट, वो VGS का वो वोल्टेज का वो पॉइंट जहां पे आपका ड्रेन करंट कांस्टेंट हो गया, दोनों भी डिप्लेशन लेयर टच हो गई, तो दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? पिंच ऑफ वोल्टेज। तो इसके लिए इसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच मतलब वही चिमटी के हिसाब से, दैट्स व्हाई उसका कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया। तो पिंच चिमटी, तो चिमटी जो हम लोग लेते हैं तो दोनों फिंगर को क्या करना पड़ता है? टच करना पड़ता है ना, तो उसी तरीके से बिहेवियर यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है उसका, वही बिहेवियर यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। सर इसमें ब्रेकडाउन नहीं होता है सर? डिप्लेशन लेयर ब्रेकडाउन नहीं होता? हाँ, ये अभी आपको ब्रेकडाउन नहीं नजर आएगा इधर पे। इधर पे क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ड्रेन करंट विल रिमेन कांस्टेंट, जो वैल्यू था वो वैल्यू पे आपका ठहर गया। अब आप क्या करोगे? अब देखो ना, अब जितना आप VGS वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे तो VGS वोल्टेज इंक्रीज करके खाली क्या होने वाला है आपका? डिप्लेशन लेयर का VT बढ़ेगा ना, और कुछ होने वाला है क्या? नहीं। तो जो ड्रेन करंट जो पहले फ्लो हो रहा था उतने पे ठहर गया, अब उसके आगे फ्लो हो पाएगा क्या? नहीं फ्लो हो पाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट नहीं नजर आएगा। खाली क्या होगा? गेट टू सोर्स वोल्टेज रिवर्स सप्लाई वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे तो उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है? ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ने वाली है। तो ऑलरेडी जब आपका ड्रेन करंट रुक चुका है तो उतने पे ही ठहरा हुआ रहेगा ना, अब उससे ज्यादा कुछ फर्क होने वाला है क्या? उससे कुछ नहीं फर्क होगा। ऑलरेडी जब आपका ड्रेन करंट का फ्लो होना रुक गया है तो वो तो रुका ही रहेगा, चाहे आप और कितना भी बढ़ाओ। सर वो पिंच वोल्टेज पिंच होने के बाद, उसके बाद भी अगर VGS वोल्टेज बढ़ा दिया फिर क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, आपका ड्रेन करंट विल रिमेन कांस्टेंट, वही समझा रहा हूँ। ड्रेन करंट उतने की वैल्यू पे ही क्या होगा? ठहरा हुआ रहेगा। मतलब इसका विड्थ तो बढ़ेगा, टच भी हो गया फिर वो टूटेगा नहीं? नहीं टूटेगा, डिप्लेशन लेयर कहाँ से टूटेगा? हाँ, लेकिन एक बात ये होती है कि कोई भी कंपोनेंट को यूज करने के लिए उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, बराबर ना? हाँ, वो मैक्सिमम लिमिट तो आपको फिर वो रखना पड़ेगा। बस यहाँ पे हमारे वर्किंग के हिसाब से, अंडरस्टैंड करने के हिसाब से क्या है, अब फर्दर भी आप इंक्रीज करोगे तो फर्दर इंक्रीज करके भी कुछ फायदा होने वाला है क्या? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जब ऑलरेडी दोनों डिप्लेशन लेयर टच कर चुके हैं तो वो और स्ट्रांगली टच करेंगे, और क्या होगा उससे ज्यादा क्या होगा? स्ट्रांगली और क्या करेंगे? स्ट्रांगली और क्या करेंगे? आपस में टच करेंगे,
वो तो वैसे भी हमारा ड्रेन करंट रुक गया है, फर्दर फ्लो ना रुक गया है, तो उसके ऊपर तो कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो जितना भी आप VGS अप्लाई करो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, जो ड्रेन करंट कॉन्स्टेंट आता उतने पे ही कॉन्स्टेंट रहेगा। खाली उसका इंक्रीज होके क्या हो रहा है, आपकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ और बढ़ते जा रही है, वो तो ऑलरेडी जब टच हो चुका है तो हमारा ड्रेन करंट होना फ्लो होना रुक चुका है, तो उसका इफेक्ट होने वाला नहीं है। बस ये है कि आप और बढ़ाते जाओगे और बढ़ाते जाओगे तो डिप्लेशन लेयर और बढ़ते जाएगा, जो जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उस मैक्सिमम कैपेसिटी के बाहर चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, खराबी होएगा ना, और क्या होगा फिर, आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल डिवाइस ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो भी चीज़ है सबको एक मैक्सिमम लिमिट होती है ऑपरेशन, जब ऑलरेडी आपका डिप्लेशन लेयर टच हो गया, एक दूसरे के साथ में टच हो गया, ड्रेन करंट कॉन्स्टेंट हो गया, तो और फर्दर इंक्रीज करोगे तो फर्दर इंक्रीज करके भी क्या होने वाला है, वो ऑलरेडी टच ही है, और ज़्यादा एक्सपांड होगा वो डिप्लेशन लेयर और ज़्यादा एक्सपांड होगा, तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी के बाहर चला जाएगा तो फिर उसके बाद तो उसका बिहेवियर खत्म ही हो जाएगा फिर। तो ये चीज़ आपको समझना था, अंडरस्टैंड करना था कि किस तरीके से वर्किंग होती है इस पर्टिकुलर एन चैनल जेफेक्ट में। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्किंग आपको लिखा हुआ कुछ समझ में आएगा, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इन जेफेट गेट एंड सोर्स टर्मिनल इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस एंड ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सच अ वे डैट ड्रेन इज एट हायर पोटेंशियल एंड सोर्स इज एट लोअर पोटेंशियल। ध्यान से देखो मेरे सेंटेंस में, मैंने ऐसा नहीं लिखाया हुआ है कि ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, देखे आप लोग ने, इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये कैसे फॉरवर्ड बायस हुआ, जब ये ऑलरेडी एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो आप उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, तो इसको फॉरवर्ड बायस थोड़ी बोलेंगे। इसके लिए देखो इसके सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड करना है। पहली बात तो गेट टू सोर्स, तो ये तो समझ में आया, गेट टू सोर्स हमेशा रिवर्स बायस होगा, तो गेट टू सोर्स हमेशा रिवर्स बायस होगा मतलब क्या, कि ये जो आपका गेट टर्मिनल की तरफ जो सेमीकंडक्टर है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करें, यानी पी टाइप था तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किए, और नीचे वाला सोर्स जो था उसको पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किए, तो ये तो रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ऑलवेज इन जेफेट द इनपुट जंक्शन इज रिवर्स बायस, लेकिन आउटपुट की तरफ जो ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल है उसमें ऐसा नहीं बोल दिया कि उसको फॉरवर्ड बायस करते, उधर पे ऐसा कहा गया है कि ऑलवेज कनेक्टेड इन सच अ वे दैट, वहां पे बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि हमेशा जो ड्रेन टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे होता है एज कम्पेयर टू सोर्स टर्मिनल। तो ड्रेन वाला टर्मिनल हमेशा हायर वोल्टेज लेवल पे रहेगा एज कम्पेयर टू सोर्स टर्मिनल, तो इसका मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को ऊपर कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को नीचे कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये ऊपर वाला हायर पोटेंशियल पे हुआ, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल पे हुआ, तब जाके ड्रेन करंट जो आपका यहाँ से फ्लो होगा ड्रेन टर्मिनल से लेके सोर्स टर्मिनल के बीच में। तो ये इस तरीके से ये सेंटेंस में पहले लिखा हुआ था। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है, व्हेन VGS इज जीरो, जब आप VGS को जीरो रखते हो, जब कुछ अप्लाई नहीं करते हो, कोई रिवर्स सप्लाई वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हो, तो क्या होगा, चैनल विड्थ इज मैक्सिमम, यानी ये जो चैनल है, ये जो बीच का जो चैनल है एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसकी विड्थ सबसे ज्यादा रहेगी, तो देयरफॉर मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लोस थ्रू द चैनल, और उस टाइम पे क्या होगा, सबसे ज्यादा करंट फ्लो होने वाला है। जाहिर सी बात है, जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज रिवर्स सप्लाई वोल्टेज कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ उस टाइम पे ही सबसे कम होने वाली है, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी मतलब किसकी विड्थ ज्यादा रहेगी, चैनल की विड्थ, जहां से आपका करंट फ्लो होने वाला है, ये एन चैनल की विड्थ सबसे ज्यादा रहेगी। तो एन चैनल की विड्थ सबसे ज्यादा रहेगी तो उस केस में सबसे ज्यादा ड्रेन करंट फ्लो होगा उस पर्टिकुलर डिवाइस से, बीच रास्ते से सबसे ज्यादा ड्रेन करंट फ्लो होगा, और वो जो मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होता है उसको डिनोट करते हैं किससे, IDSS से। ये नोट करना पड़ेगा आपको, IDSS इज द मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो थ्रू द जेफेट। तो जो मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होता है उसको डिनोट करते हैं किससे, IDSS से। और ये कब मिलेगा आपको, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज कितने वोल्टेज पे रहेगा, जीरो पे रहेगा। सो वेन एवर गेट टू सोर्स वोल्टेज इज जीरो, सो मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल, एंड दैट मैक्सिमम करंट फ्लो, जो ड्रेन मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है उसको बोला जाता है, उसको डिनोट करते हैं किससे, IDSS से। तो दिस IDSS इज नथिंग बट मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट, मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट, IDSS। और फिर इसके बाद क्या कंडीशन बताया मैंने, इसके बाद कंडीशन ये बताया, व्हेन VGS वोल्टेज इज इंक्रीज, अब जब आप रिवर्स सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करोगे इनपुट का, VGS वोल्टेज अप्लाई करोगे, इंक्रीज करोगे, तो डिप्लेशन लेयर क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीज। तो ये डिप्लेशन लेयर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओगे
तो ये डिप्लेशन लेयर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ड्यू टू दिस द ड्रेन करंट स्टार्ट टू रिड्यूस, और ऑब्वियसली जैसे जैसे ड्रेन अपना ये डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट किस पे नजर आएगा, ड्रेन करंट पे नजर आएगा। ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी, घटते जाएगी, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की भीड़ बढ़ना चालू हो गई ना, तो वो बढ़ने की वजह से क्या होगा, अब जो ड्रेन करंट पहले जो एकदम अच्छे वैल्यू में फ्लो हो रहा था, अब उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो जो अमाउंट में आप रिवर्स सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे तो वो अमाउंट के हिसाब से डिप्लेशन लेयर की वीड बढ़ते जाएगी और ड्रेन करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। और इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये ड्रेन करंट किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे उसका फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये न्यूमेरिकल वगैरह में यूज होता है। तो ड्रेन करंट का जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है IDSS। तो दिस IDSS व्हाट, मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज अपॉन VP। दिस VP स्टैंड फॉर पिंच ऑफ वोल्टेज, दिस VP स्टैंड फॉर पिंच ऑफ वोल्टेज, 1 माइनस VGS अपॉन VP द होल स्क्वायर। तो ये ड्रेन करंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो ड्रेन करंट जो कैलकुलेट होगा आपका कैसे कैलकुलेट होगा, IDSS इनटू 1 माइनस VGS बाय VP द होल स्क्वायर। लास्ट पॉइंट क्या हुआ है, व्हेन फर्दर VGS इज इंक्रीज, अब और ज्यादा VGS को अप्लाई करोगे, इंक्रीज करोगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा अप टू अ पॉइंट वेयर डिप्लेशन टचेस इच अदर। अब जितना ज्यादा आप VGS को अप्लाई करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ते जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आया कि दोनों भी डिप्लेशन लेयर आपस में क्या हो जाएंगे, टच कर देंगे, और जहां पे टच कर देंगे तो देयरफॉर देयर इज नो फ्लो ऑफ ड्रेन करंट। फिर वहां से ड्रेन करंट का फ्लो होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठहर जाएगा, और जहां से आपका ड्रेन करंट का फर्दर फ्लो होना रुक गया तो उस वोल्टेज को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, VP। तो पिंच ऑफ वोल्टेज इज दैट वोल्टेज वेयर द डिप्लेशन लेयर टचेस इच अदर एंड द ड्रेन करंट फर्दर फ्लो एंड द ड्रेन करंट स्टॉप्स फर्दर फ्लो। तो फर्दर ड्रेन करंट का फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, ठहर जाता है, नाउ द जितना ड्रेन करंट था उतने पे ही ठहरा हुआ रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो वो वोल्टेज जहाँ पे आपका ड्रेन करंट कॉन्स्टेंट हो जाता है, VGS का वो वोल्टेज जहाँ पे ड्रेन करंट कॉन्स्टेंट हो जाता है, उस वोल्टेज को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, VP। तो इसके लिए देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पिंच ऑफ वोल्टेज लिखा हुआ है VP, और IDSS क्या है, मैक्सिमम ड्रेन करंट जो फ्लो होता है, IDSS। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसका वर्किंग जो मैंने समझाने की कोशिश किया। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू। बस लास्ट में मैं एक इसका सिंबल बता के आपको खत्म कर रहा हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पी चैनल के बारे में, सिमिलर ही रहेगा, खाली उसका कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपका सिंबल है किसका, एन चैनल JFET का। तो जिस तरीके से BJT में 3 टर्मिनल्स थे, आपका कौन कौन सा टर्मिनल था वहाँ पे, बेस, इमीटर, कलेक्टर, तो यहाँ पे आपका 3 टर्मिनल होता है, गेट, ड्रेन और सोर्स। तो गेट, ड्रेन और सोर्स 3 टर्मिनल आपके FET के होते हैं। तो ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है ये किसका है, एन चैनल JFET का। तो एन चैनल JFET पे आपको जो डिफरेंस नजर आएगा वो गेट टर्मिनल के एरो मार्क पे नजर आएगा। तो गेट टर्मिनल के एरो मार्क्स से आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि ये एन चैनल JFET है या पी चैनल JFET है। ये आपका दोनों भी सिंबल ड्रॉ किया हुआ है, एन चैनल JFET, पी चैनल JFET। यहाँ पे आपके गेट टर्मिनल से अवे फ्लो होता हुआ, जो इनसाइड आपको फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो गेट टर्मिनल के इधर पे अंदर एरो मार्क जो पोजीशन दिया हुआ है वह एन चैनल है, और यहाँ से बाहर की तरफ गेट टर्मिनल की तरफ जो बाहर एरो मार्क फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है ये पी चैनल है। तो अब मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये एरो मार्क का डायरेक्शन ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है, ताकि आपको सिंबल भी पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि एन चैनल में कैसा होता है, पी चैनल में कैसा होता है। प्लीज पे अटेंशन प्रॉपरली। जैसा कि आपको पता है ये जो ड्रेन और सोर्स है ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है, अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखे होंगे तो ये जो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल है ये कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर पे बनाया हुआ है, एन टाइप। एन टाइप, वेरी गुड। तो ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ड्रेन और सोर्स टर्मिनल, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जो गेट है वो गेट आपका कौन से सेमीकंडक्टर पे ड्रॉ किया हुआ है, 10 वी, कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर, P टाइप, वेरी टाइप, वेरी गुड। तो एन चैनल JFET में क्या होता है, हमेशा जो करंट फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पी टाइप टू एन टाइप, इज दैट क्लियर, समझ में आया। करंट का जो फ्लो होता है आपको तो पता है ना, पी टाइप टू एन टाइप फ्लो होता है। तो गेट जो है वो आपका क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ड्रेन और सोर्स आपका क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस पीएन जंक्शन, पी टाइप टू एन टाइप, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसलिए गेट टर्मिनल पे जो एरो मार्क किया हुआ है वो ये डायरेक्शन में मार्क किया हुआ है। तो ओके, क्लियर हुआ। तो एन चैनल JFET में जो आपका गेट टर्मिनल पे
जो एरो मार्क किया हुआ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरीके से अगर आप पी चैनल जेफेट की बात करोगे तो पी चैनल जेफेट में ये जो ड्रेन और सोर्स है ये कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और ये जो गेट है वो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो दैट्स व्हाई द करंट विल फ्लो फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसलिए आपका गेट की तरफ जो एरो मार्क किया हुआ है वो अवे की तरफ मार्क किया हुआ है, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो सिंबल है ये पी चैनल जेफेट का है और ये जो सिंबल है वो एन चैनल जेफेट का है। तो इज दैट क्लियर, आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। यस सर, बट पी टाइप पी चैनल वाला में सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। पी चैनल का वर्किंग, पी चैनल का आपने कंस्ट्रक्शन देखे नहीं ना, अब जब कंस्ट्रक्शन देखोगे तो सब मालूम पड़ जाएगा आपको। यस सर, अभी से मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि ये जो ड्रेन और सोर्स है वो क्या है आपका, ये कौन सा टर्मिनल है, ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये जो गेट है वो कौन सा रहेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपका जो करंट है वो पी टाइप टू एन टाइप फ्लो होता है, तो इसका एरो मार्क इस तरीके से किया हुआ है। मतलब पी चैनल में गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना? हाँ। ओके, अब समझा। लो आपको दिखा देता हूँ, आप थोड़ा ज्यादा आगे है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पी चैनल जेपेट। तो इन दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ पी चैनल जेपेट ये आपका पी टाइप का पूरा सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और आजू बाजू क्या रहेगा, दो कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर रहेंगे, एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये दोनों एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करके आपका एक टर्मिनल फॉर्म होता है, वो कौन सा टर्मिनल फॉर्म होता है, गेट टर्मिनल। इसीलिए मैं बता रहा था ये जो आपका ड्रेन और सोर्स जो है वो अभी कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप, अब जो गेट है वो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप। तो करंट जो आपको इधर पे एरो मार्क जो दिखा रहा है वो फ्लो जो हो रहा है पी टाइप टू एन टाइप, दैट्स व्हाई इधर पे ये एरो मार्क इस तरह से मार्क किया हुआ है। यहाँ पे एरो मार्क इस तरीके से फ्लो किया हुआ है बिकॉज गेट इज पी टाइप एंड ड्रेन एंड सोर्स इज एन टाइप, तो एरो मार्क यहाँ पे इस तरीके से मार्क किया हुआ है। अब क्लियर है? यस सर। देखो कंस्ट्रक्शन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, जैसा आपने कंस्ट्रक्शन ऑब्जर्व किए एन चैनल जेफेट का वैसे ही कंस्ट्रक्शन आपका पी चैनल जेफेट का भी है। ये आपका बड़ा सा जो सबशेड होगा वो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, आप पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और उसके आजू बाजू दो प्लेस करोगे आप वो क्या प्लेस करोगे, दो एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे भी पी एन जंक्शन फॉर्म हुआ, पी एन जंक्शन फॉर्म हुआ। अब आपको खाली करना क्या है, गेट टू सोर्स को रिवर्स सप्लाई करने के लिए बैटरी का पोलैरिटी वैसे कनेक्ट करो, रिवर्स बायस तो करना ही है हमको, डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ाना है। जब पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी डिप्लेशन लेयर है, यहाँ पे भी डिप्लेशन लेयर है। अब डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रिवर्स बायस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो रिवर्स बायस करने के लिए आपने क्या किए, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था ना, तो इसको कहाँ पे कनेक्ट किए, कौन से टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे कनेक्ट किए, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और नीचे आपका क्या है, नेगेटिव, हो गया रिवर्स बायस। अब जैसे जैसे रिवर्स सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करोगे डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएंगे। और बाकी ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये जो फंक्शन जो मैंने आपको बताया था, ड्रेन हमेशा कौन से लेवल पे होना चाहिए, हायर, सोर्स हमेशा पोटेंशियल, तो ये इसलिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये तो वैसे ही था, वहां पे भी वैसे ही था। खाली चेंजेस क्या करना पड़ा आपको वीजीएस का, तो क्लियर है, ये भी कंस्ट्रक्शन क्लियर है, तो कंस्ट्रक्शन जैसा है वैसे ही वर्किंग इसका भी वैसे ही है। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन में बीच में पी टाइप का सेमीकंडक्टर यूज किया और आजू बाजू एन टाइप का सेमीकंडक्टर यूज किया, बाकी डिप्लेशन लेयर यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा जैसे वहां पे था। वीजीएस अप्लाई करोगे तो ज्यादा रिवर्स होएगा और डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी। तो जो बैटरी आप गेट टर्मिनल टू सोर्स टर्मिनल में कनेक्ट करते हो उसको बोलते हैं वीजीजी, और जो बैटरी आप ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल पे कनेक्ट करते हो उसको बोलते हैं वीडीडी। ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, ये गेट टू सोर्स वोल्टेज है, ये ड्रेन करंट फ्लो रहा है, तो आईडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो मैंने अलग से यहाँ पे इसका वर्किंग नहीं लिखाया हुआ है क्योंकि वर्किंग बिल्कुल सेम है जैसा एन चैनल जेफेट का था, वैसी पी चैनल जेफेट का भी वर्किंग बिल्कुल सेम है। आपको खाली करना क्या था, इसका रिवर्स बायस करने के लिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव करना था, बाकी पूरा वर्किंग सेम है। जब वीजीएस जीरो रखोगे तो मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होगा, जैसे जैसे वीजीएस अप्लाई करोगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाएगी, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा दोनों डिप्लेशन लेयर टच हो जाएंगे और ड्रेन करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, फर्दर फ्लो होना रुक जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मैंने जो आज बताया हूँ, जो कोशिश किया हूँ, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफेट एंड पी चैनल जेफेट समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बाद में मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू वंस मोर।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर ज्वाइनिंग, योर पेशन इन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू.